जब मैं यहाँ पर दिल्ली में शुरू शुरू में आया था, मेरे जूते हो गए भाई, जूते भी चोरी होते हैं यहाँ से यार। यार जूते तो चलो मैं मानता हूँ, मगर आप सोचो कच्चे बनियान यार, ये भी चोरी होते हैं भाई जगह पे। मैं बाहर में सुखाने के रखता हूँ, मेरे लगभग काफ़ी दिन हो गए, सीन काफ़ी ज़्यादा सीन हो गए मेरे साथ कि कच्चे बनियान गायब हो गए भाई यार। दिल्ली में भाई एक एक पैसे बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और यहाँ कच्चे बनियान चोरी हो रहे हैं। और कभी कभी तो भाई ऐसा दिन भी आया कि मैं बिना कच्चे के ही चले गया भाई, ठीक है। जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पे बिना कच्चे के चले गया था मैं, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, सब कैसे हो? तो आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो भाई आपने थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। तो भाई मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दूँ या जॉब करना छोड़ दूँ भाई, ठीक है। क्योंकि भाई मैं लगातार मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, मैं 2 दिन से जॉब की ट्राई करता कहीं जॉब मिल जाए दिल्ली में, क्योंकि कोविड चल रहा है भाई, तो जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, जॉब कहीं भी नहीं मिल रही है। तो लगभग 2 दिन से मैं ट्राई कर रहा था, तो मुझे जॉब मिली गई है, और 1 तारीख से मेरी ज्वाइनिंग है, आज लगभग 30 तारीख है, तो कल से मेरी ज्वाइनिंग है भाई, ठीक है। अब मुझे दिक्कत ये हो रही है, आपको पता है कि मैं लगातार वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, तो 2 दिन से वीडियोज़ भी नहीं आ रही है, इसी चक्कर से नहीं आ रही, क्योंकि मैं जॉब की तलाश में था, मगर जॉब ढूंढ रहा था अपने के लिए मैं, और जॉब मिली गई है। और अब मुझे दिक्कत ये हो रही है कि भाई जो जॉबिंग जो हमारा जो जॉब का टाइमिंग है वो लगभग 2 बजे से लेकर, डे के 2 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक है भाई, ठीक है। और अब दिक्कत ये भी हो रही है कि भाई मैं किस टाइम पे ब्लॉग बनाने जाऊँ, क्योंकि लगभग यहाँ 10 या 11 बजे टाइम पे यहाँ पर मार्केट खुलता है, या कोई भी चीज़ लाल किला से लेकर कुतुब मीनार से लेकर सब टाइमिंग पे खुलता है भाई, लगभग 10 बजे से खुलता है, टाइमिंग 10 बजे का होता है सबका। और सबसे दिक्कत की बात ये आ रही है कि भाई मुझे खाना ही बनाना पड़ता है, क्योंकि जब 2 बजे मैं यहाँ से जॉब पे जाऊँगा तो मुझे खाना खा के जाना पड़ेगा, क्योंकि खाना तो मुझे मिलेगा नहीं भाई, तो मुझे खाना खा के जाना पड़ेगा यहाँ से। और तो भाई यही सीन हो रहा है, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, ब्लॉग बनाऊँ या जॉब करूँ। तो भाई मैं घर से निकला था ये सोच कर कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो जॉब भी करूंगा और ब्लॉग भी बनाऊंगा, मगर कहते हैं ना बोलना बहुत आसान होता है और करना भाई बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बोलने और करने में बहुत फ़र्क होता है भाई, तो ये चीज़ मुझे अभी समझ आई जब मैं दिल्ली में पहुंचा। और भाई मेरे ना दिमाग खराब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। मैं ब्लॉग नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं 1.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, अपने गांव से मैं ब्लॉग बनाते बनाते दिल्ली पहुँच गया, ठीक है भाई। और मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकता हूँ, जॉब मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ब्लॉग बनाने के लिए भाई अगर मैं कहीं ट्रैवल करूँगा, किसी चीज़ के बारे में बताऊँगा आपको, तो पैसे चाहिए होंगे, और जब जॉब होगी तो पैसे होंगे। और भाई काफ़ी बंदों का कमेंट भी आया था मेरे पास कि भाई आप सुपर बाइक्स के ब्लॉग बनाओ, तो भाई मैं सुपर बाइक्स के ब्लॉग बनाऊंगा, मगर आप ये सोचो कि लगभग सुपर बाइक्स के जो ओनर हैं, लगभग उनकी शॉप लगभग 12 बजे खुलती है भाई, 12-1 बजे खुलती है। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आया था तो उस टाइम पर मैं उनकी शॉप पर गया था, तो लगभग 12-1 बजे खुली थी, और उस टाइम पर उनके जो शॉप के ओनर थे वो वहाँ पर थे नहीं उस टाइम पर, उनके जो वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी थे वो थे वहाँ पर, और मालिक था नहीं उस जगह पर, लगभग मालिक 12-1 बजे आता है भाई, ठीक है। तो मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया, मगर इनफैक्ट मैं उस जगह के वीडियो जरूर बनाऊंगा भाई, मैं कुछ भी हो जाए भाई, मुझे छुट्टी करनी पड़े, अपनी जॉब की छुट्टी करनी पड़े, मगर ब्लॉग बनाऊंगा भाई वहाँ पर, कुछ भी हो जाए मैं, मगर थोड़ा टाइम लगेगा। और मुझे बस इतना ही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यार दिक्कत की बात यहाँ पर यही आ रही है कि अब ब्लॉग बनाऊँ या जॉब करूँ, यार मुझे हंसी भी आ रही है, अंदर से रोना भी आ रहा है, क्योंकि भाई मैं दोनों चीज़ नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं तो ब्लॉगिंग तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ भाई, ये आप ये बात आप भी जान सकते हो। और भाई अबे यार अब हंसू कि रहूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रही यार। तो भाई आज का जो दिनचर्या है मेरा ना भाई कुछ अलग है, मैं अभी अभी आया हूँ, बल्कि मैं पता है फिर मैं अभी अभी जॉब ढूंढ के आया हूँ, मैं अभी आया हूँ उस जगह पे, और टाइमिंग इस समय लगभग बज रही है, 3 बज रही है, और मैंने अभी खाना बनाया भी नहीं है, मैं सीधा ऊपर आ गया वीडियो बनाने के लिए, अपने रूम से ऊपर आ गया मैं, ठीक है। और पहले खाना बनाते हैं भाई, और सोचते हैं फिर क्या होगा भाई। और भाई अगर कुछ नहीं हुआ ना, अगर कुछ दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आया ना भाई, तो भाई एक ना एक चीज़ मुझे छोड़नी पड़ेगी, और दोनों चीज़ को कवर करना भाई बहुत मुश्किल है, ये बात आप भी समझ सकते हो भाई, ठीक है। दोनों चीज़ को कवर करना बहुत मुश्किल है भाई। तो देख रहे हैं मेरा जो रोज़ का रूटीन है मेरा कपड़े सुखाने का, तो मैं कपड़े सुखाता रहूँगा कुछ भी हो जाए, ठीक है भाई। और यहाँ की तो भाई हालत ही देखोगे तो भाई छत की हालत बहुत बुरी है भाई। तो भाई अपन हमेशा ताला लगा के रखते हैं, क्योंकि भाई दिल्ली में चोरियां काफ़ी ज़्यादा होती है भाई, उस जगह पे चोरियां मेरे लगभग भाई मेरे यहाँ पर लगभग भाई
कच्चे बनियान चोरी हो गए, ठीक है भाई। और दिल्ली में भाई कच्चे बनियान भी चोरी होंगे ना भाई, बहुत दिक्कत होती है, सही में कह रहा हूँ। एक बार मेरे जूते चोरी हो गए थे, तो भाई सीरियस में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अपन खुल गया ताला, पंगा चला लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ भाई, जब मैं यहाँ पर दिल्ली में शुरू शुरू में आया था, मेरे जूते हो गए भाई, जूते भी चोरी होते हैं यहाँ से यार। यार जूते तो चलो मैं मानता हूँ, मगर आप सोचो कच्चे बनियान यार, ये भी चोरी होते हैं भाई जगह पे। मैं बाहर पे सुखाने के रखता हूँ, मेरे लगभग काफ़ी दिन हो गए, सीन काफ़ी ज़्यादा सीन हो गए मेरे साथ कि कच्चे बनियान ही गायब हो गए भाई यार। दिल्ली में भाई एक एक पैसे बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और यहाँ कच्चे बनियान चोरी हो रहे हैं। और कभी कभी तो भाई ऐसा दिन भी आया कि मैं बिना कच्चे के ही चले गया भाई, ठीक है। जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पर बिना कच्चे के चले गया था मैं, ठीक है। तो ऐसे दिन भी थे यहाँ पर। और जूतों का भाई, मुझे नाइट के टाइम पे वैसे जूते रखने की जगह है, ये हमारा ही है, ठीक है। और ये रूम भाई पहले हमारे पास से था, ये रूम ये मेरे मामा इनके रूम थे यहाँ पर, और ये अपना रूम था पहले से, ठीक है भाई। तो जूते हमें अंदर संभाल के रखना पड़ता है रूम के अंदर, क्योंकि भाई चोरियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा इस जगह पर, इसलिए रूम को रखना पड़ता है। और खाने की बात करें भाई, तो मैंने अभी मैंने दाल रखी है, लगभग 3 बज गए हैं भाई। जॉब की तलाश में था इसलिए घर अभी आया हूँ मैं, और से दाल दूध बना के भाई दाल बनाएंगे अभी एक बार, और खाना बनाएंगे, दाल बना के खाना बना के भाई उसके बाद सो जाएंगे भाई, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और मैं अभी आया हूँ भाई रूम पर, आप सोच भी नहीं सकते, मैं लगभग सुबह के टाइम निकल गया था, और मुझे मेरा था 10 बजे का इंटरव्यू, और इंटरव्यू दे के उन्होंने ये बोला था कि बात करेंगे। अभी जस्ट मुझे आते आते कॉल आया था उनका कि आप 1 तारीख से ज्वाइनिंग कर लेना अपनी जॉब की। तो मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई भाई, और एक टाइप से रोना भी आया कि यार मैं यार मतलब ब्लॉग बनाना क्या छोड़ सकता हूँ भाई, कि अब मुझे यही बात समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ यार, मैं जॉब करना छोड़ूँ या ब्लॉगिंग करना छोड़ूँ। क्योंकि भाई मैं ब्लॉग बनाने के लिए अपने घर वालों से पैसे नहीं मांग सकता हूँ, क्योंकि भाई उन्होंने जितना करना था उन्होंने कर लिया, अब मुझे खुद करना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई क्या होता है, मुझे जब मैं एक तरह से जॉब पे लगूंगा तो मैं तभी जान पाऊंगा कि भाई कितना टाइम मुझे मिलता है या कितना नहीं मिलता है। आप भी समझ सकते हो यार, लगभग 2 बजे से यार जॉब है, और 12 बजे तक तो भाई टाइम कहाँ मिलेगा ब्लॉग बनाने का, ठीक है। और लगभग सुबह का टाइम मिलता है, आप 12 बजे जब कोई बंदा आएगा तो लगभग 4 बजे तो नहीं उठ सकता है, ठीक है। उसके टाइमिंग उठने के लगभग 6 या 7 बजे तक उठ जाएगा, और 7 बजे भाई नाश्ता बनाना पड़ता है अपने के लिए, और खाना बनाना पड़ता है दिन का। अगर जब दिन का खाना खाऊंगा तभी जाके मैं जॉब पे जा पाऊंगा, तभी जाके मुझे ताकत मिलेगी, ठीक है। तो भाई ऐसी बातें हैं, और चलो खाना बनाते हैं और देखते हैं भाई क्या होता है अगले ब्लॉग में। और भाई कमेंट मारते रहो भाई कमेंट, अगर आपको किसी चीज़ की नीड है या कोई चीज़ दिखानी है आपको, तो मैं दिखा पाऊँगा उस चीज़ को कि नहीं, वो तो मैं डिपेंड करता अपने आप पे। तो खाना बनाते हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो भाई रूम की हालत देख रहे हो, बैग ऐसे पड़ा हुआ है, लगभग ये रूम की हालत कुछ ख़राब है, ठीक है भाई। सफाई मैंने लगभग 2 दिन से सफाई नहीं की भाई मैंने रूम की, क्योंकि मैं 2 दिन से जॉब की तलाश में था, इसलिए मैं टाइम नहीं मिल पाया मेरे को सफाई करने का। और सफाई हमेशा सुबह के टाइम पे होती है, अगर आप दिन के टाइम पे तो करूँगा नहीं सफाई भाई, ठीक है। सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे सफाई करता हूँ मैं। और तो लगभग 2 दिन से मैं लगभग 3 या 4 बजे रूम पर आता हूँ अपना इंटरव्यू दे के, ठीक है। टाइमिंग नहीं मिल पाती है, और खाना भी मैं आजकल बाहर से खा रहा हूँ, और लगभग मैं सुबह को मैंने दाल चढ़ाई थी, इसलिए चढ़ाए थे कि यार बाहर से भी कब तक खाता रहूँगा भाई, इतने पैसे बचाना है, कर जितना हो सके उतना पैसे बचाने हैं भाई, क्योंकि मैं पैसे बचाना इसलिए चाहता हूँ कि मैं उन पैसों से ब्लॉग पे लगा सकूँ। क्योंकि लगभग यार मैं जब अभी तक काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ, अपने गांव साइड भी था तो उस टाइम भी ट्रैवल कर रहा था, जैसे कि लैंसडाउन हो गया, रुद्रनाथ हो गया, मंदवेसर हो गया, काफ़ी जगह लंबे लंबे ट्रैक पर गया हूँ मैं। और यहाँ का ट्रैक देखते हैं यहाँ का क्या होगा, अभी तो यहाँ भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इंडिया गेट हो गया, अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी है भाई जगह पर, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने कुछ बताया नहीं, अभी तो सिर्फ अभी यहाँ पर कैमरा मार्केट भी है जो काफ़ी बड़ी लगती है, वहाँ भी जाएंगे अभी, मगर टाइम मिल जाए भाई मेरे को। मैं इतना चाहता हूँ कि भाई ब्लॉग बनाना ना छोड़ो बस मैं खाली, अगर ब्लॉग बनाना जिस दिन छोड़ दूँगा ना उस दिन समझ लो भाई फिर कोई फ़ायदा नहीं इतनी मेहनत करके भाई। तो ये है भाई अपना किचन, ठीक है भाई। अभी रूम के अंदर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पंखा चल रहा है ना भाई, और सबसे बड़ी बात कि रूम के अंदर गर्मी होती बहुत ज़्यादा, यहाँ दिल्ली में वैसे बहुत गर्म है। तो खाना यहाँ वैसे यहाँ रखने के लिए यहाँ बना सकता हूँ खाना, और इसलिए नहीं बनाता हूँ मैं क्योंकि गर्म रूम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो बाहर बना रहा हूँ खाना मैं। और लहसुन वसुन तो मैंने काट दिया, लहसुन प्याज उस काट दिया है, अभी थोड़ा गर्म हो जाए। इसकी हालत देख रहे हो तुम, 2 साल से रूम बंद था ना भाई, तो ये पूरा ख़राब हो गया था, मगर सही है काम चलाने के लिए भाई,
पैसे भी लगाएंगे ना आपके। ये अपना 5 किलो का गैस है सिलेंडर, तो भाई अपन की दाल बन गई भाई, पूरी ढंग से बन गई दाल भाई, ठीक है। और इसको हटाते हैं यहाँ से अब। चल भाई इसको रखते हैं, अबे तेरी बहुत गर्म है रे, तो इसको रखते हैं इस पे। तो भाई दाल अच्छी तरह बन गई, और आ जा बेटा, जगह यहाँ पर ठीक है सिर रखने में। और इसके ऊपर से रखते हैं थाली भाई, क्यों भाई ठंडा हो जाएगा ना। अबे यार शिट, थाली छोटी पड़ गई, थाली थोड़ी रख दी भाई। अब चावल बन रहा है हमारा, और चावल को थोड़ा रखते हैं। तो भाई मेरा खाना बनने वाला है पूरा, दाल बन गई अच्छी तरह से और सिर्फ चावल रह गए, उसके बाद खाना खाते हैं और शाम को देखते हैं शाम को कहाँ प्लान बनता है अपना, क्योंकि आज तो फ्री हूँ मैं। तो भाई अपन का बन गया खाना भी, ठीक है भाई, चावल चावल सब बन गए। और गैस को रखते हैं अंदर, गैस 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 गैस। तो ये भी अंदर हो गया भाई, और आपको बता दूं कि भाई मैं सामान अंदर इसलिए रखाऊँ क्योंकि इसके बाद मैं अंदर पैक हो जाऊँगा, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हुई भाई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सामान अंदर मैंने इसलिए भी रखा है क्योंकि ज़्यादा देर सामान रखूँगा बाहर तो चोरी चोरी हो जाता है, इसलिए मैं अंदर सामान रख रहा हूँ सीधा। और भाई खाना खाते हैं अपना, और देखते हैं मेरा आज, मेरा जो शाम का प्लान था, मैं आज कैमरा मार्केट जा सकता हूँ चाहे तो, और वहाँ का वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने बात की थी कल उनसे जिनकी वीडियो बनानी थी, जिनकी शॉप की वीडियो बनानी थी, और वहाँ पर काफ़ी अच्छे कैमराज मिलते हैं भाई, और सीरियस में काफ़ी लो प्राइस में और अच्छी कंडीशन भाई कैमरे की। तो ज़्यादा बात की करनी है, सीधा ख़त्म करते हैं वीडियो आज, और खाना खाता हूँ मैं उसके, अच्छे निकलता हूँ, लगभग इस समय 4:30 हो गया और थोड़ी देर बाद निकल जाऊँगा मैं यहाँ से। तो और वीडियो पसंद है लाइक और कमेंट जरूर करना भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके भाई, टेक केयर।